और अहम खबर आपको यहाँ पर देंगे। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सेक्रेटरी दाखला से राबता किया है। खबर आपको दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध और बलूचिस्तान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मेंबरान की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक तहफ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सेक्रेटरी दाखला से राबता भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और बलूचिस्तान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सेक्रेटरी दाखला से राबता किया है। दोनों मेंबरान की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक तहफ़ुज़ात से आगाह किया गया है। मेंबरान की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी वापस लेने के हवाले से तहफ़ुज़ात से आगाह भी किया गया है और वज़ीर दाखला से राबता किया गया है। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और बलूचिस्तान से सिक्योरिटी वापस ली गई है। सेक्रेटरी दाखला से राबता किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आगाह करेंगे जी अखिल। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी दाखला से जो है रब्ता किया गया है और इस फैसले पर जो है अपने खदशात का इजहार किया गया है। सेक्रेटरी दाखला ने जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बताया है कि जो है वो ये वजारत दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे, तो ये वजीर दाखिला के सामने ये फैसला रखेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान हैं इलेक्शन, उनसे जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला को मरसला भी लिख दिया गया है और अपने जो है वो खदशात थे तौर पर आगाह किया है और उनको इस बात की जो है वो दरख्वास्त की गई है कि दोनों मेहमान की सिक्योरिटी वापस की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।